हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपां सी लैंग्वेज का जिहड़ा अपना लैक्चर सीगा एरे, व्हाट इज़ अ एरे, एरे बारे आपां पढ़िया सी। अज आपां एरे दे विच एक्सेसिंग करने एलीमेंट्स दी, एरे दे एलीमेंट्स नूं किवें एक्सेस करदे हां, उहदे रीड किवें करदे। पहले आपां वन डिमिशनल एरे बारे गल करदे। वन डिमिशनल मैं तुहानूं कल दस्सी सी वी एक सबस्क्रिप्ट यूज करना ते इक लाइन यूज कीती जांदी, जिहनूं आपां वन डिमिशनल बोलदे हां। जे दो सबस्क्रिप्ट यूज करता तो वह आपका टू डिमिशनल है, जे थ्री करता तो तीन थ्री डिमिशनल बोल देते हैं। जे आप मल्टी की गल करते तो फोर सबस्क्रिप्ट करता है। वंस एरे इज डिफाइन, जो एरे डिफाइन हो जाता पता लग जाता भी एरे आ, तो ईच एलीमेंट ऑफ एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय एरे नेम। हर एक एलीमेंट है जो एरे का एरे के नेम नाल ही पढ़िया जाता, जो नेम तो ही पता लगता। फॉलोवर्ड बाय इंडेक्स इनक्लोज्ड इन ब्रैक, जिन्होंने ब्रैकटा के इनक्लोज किया जाता। ऑल एरे एलीमेंट आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम, एरे के जो एलीमेंट्स होंगे उन्होंने जी नंबर होती है वो जीरो तो स्टार्ट होती है। कितों स्टार्ट होती है जी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल जिमें इंट सा टाइप हो गया, एस क्यू हो गया एरे का नेम। मैक्सीम आप किन्ने एलीमेंट पास कर रहे हैं, फाइव। जिमें फर्स्ट दस करता भी चालीस पचास पाँच पास करते हमने भी एक्सैसिंग करनी है बेटा। फर्स्ट आप जिमें एस एरे का नेम हो गया, जी भी वैल्यू दस असाइन करवाई है वो आप जीरो तो स्टार्ट किया, एड्रैस आप जीरो दिता, फस्ट एलीमेंट में आप जीरो तो असाइन करवाएंगे। फिर वन टू थ्री फोर, जिहड़ा फिफ्थ होगा वो फोर होगा, तो उन्होंने एड्रैस है जो अपने को, क्योंकि एरे के लिए अपना कंप्यूटर टाइप डाटा यूज कर रहे हैं तो यह दो बाई ट्वेल्व ही लगता। ठीक है, तो पहला जिमें दो हज़ार एड्रैस असाइन कराया तो दूजे का दो हज़ार दो हो जाएगा, तो दो बाई टू एक्सैस फर्स्ट एलीमेंट टू बी स्पेसीफाई एस जीरो। इतना एक्सप्लेन करेंगे एस एर का नेम जीरो वैल्यूज क्या, ये फर्स्ट एलीमेंट है। सैकेंड एलीमेंट लिए बात करेंगे, थर्ड लिए टू करेंगे, फोर लिए थर्ड करेंगे, फिफ्थ लिए फोर करेंगे। इस तरह तो एक्सैस फिफ्थ एलीमेंट एस फोर एंड इट्स वैल्यूज फाइव। ठीक है, सो द वैलिड रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट इज जीरो टू फाइव, द रेंज है जी जीरो टू फोर। ठीक है, लाइक दैट लोअर बाउंड इज जीरो, सब तो छोटी वैल्यू जीरो पढ़ेंगे, तो अपर बाउंड की बनेंगे वन लैस दैन द स्पेसीफाइड वैल्यू द सबस्क्रिप्ट। जिनी भी सबस्क्रिप्ट के वैल्यू यूज की वो एक घटा के इक्वल टू जिन्ना बनता हो। ठीक है, टू डिमिशनल एरे, इन द टू डिमिशनल एरे एंड एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड सिंपली बाय एरे नेम फॉलोवर्ड बाय टू इंडेक्स नंबर इनक्लूड, दो इंडेक्स नंबर के द्वारा रीड कर। देखो जिमें इंटीजर टाइप आप डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, ए एरे का नेम हो गया, मतलब कि ये जी दो पास किए जा रही हैं, दो अते कॉलम जो यूज किए जा रहे हैं तीन। ठीक है, तो उन्होंने वैल्यू जिम्मे आप असाइन करवा दी, तीन दूनी छे, टोटल अपने को छे वैल्यूज होनी है, दस दू तीन चालीस पचास से साठ। टू एक्सैस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहली रो की गल की बेटा फर्स्ट रो, पहले तो उन्होंने जीरो वन, पहली रो अपनी जीरो तो स्टार्ट नहीं हो, जीरो जीरो कर। ठीक है, फर्स्ट एलीमेंट ए हो गया, इस तो बाद जो फर्स्ट टू एक्सैस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से जीरो वन, ये कॉलम नंबर सैकंड होने जिस ट्वेंटी वैल्यू। इस तो बाद टू एक्सैस फर्स्ट रो एंड सैकेंड कॉलम जीरो तो लैके वन के हो गया। ठीक है, टू एक्सैस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम दिल्ली टू नंबर एक्सैस किया, इसलिए सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, सैकेंड रो रो नंबर सैकेंड शुरू भी कॉलम जीरो हो गया, फर्स्ट सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। ठीक है, सैकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह लिखा। इस तो बाद एंटरिंग द डाटा, डाटा किमें एंटर कर, एरे इज कलैक्शन ऑफ वैल्यू, एरे की है जो कलैक्शन ऑफ सारी वैल्यू, सो वी कैन एदर एंटर डाटा इन टू एरे वाइज यूजिंग द लूप स्टेटमेंट। तो आप जो लूप स्टेटमेंट की वरतों करके डाटा एंटर करते हैं, फॉर डाटा एंट्री इन टू वन डिमिशनल एरे वन लूप इज यूज, फॉर द टू डिमिशनल एरे टू लूप्स आर यूज। जी को वन डिमिशनल एरे की करिए तो एक लूप यूज करेंगे, जो दो डिमिशनल की गल की तो दो लूप यूज करेंगे, तो सो होने से वन डिमिशनल एरे, वन डिमिशनल एरे के लिए डाटा एंटर करना इंटीजर टाइप है, जी आप मैक्सिमम जो एरे का नेम हो गया, इंटीजर टाइप डाटा टाइप भी एरे का नेम एस तो हो गया, मैक्सिमम हो गया साइज टेन का, मतलब जीरो से लेकर नौ तक वैल्यू सेंड करवाए। फोर आई, आई हूँ अपना एरे कितने स्टार्ट होता है जीरो तो करके आप इनिशियलाइज करवाया जीरो तो, आई की जी वैल्यू लैस दैन और इक्वल टू आ रही वो जो नाइन, मतलब नौ एलीमेंट्स तक होगा, आई के लिए की हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ब्रैकेट के ब्रैकेट स्लैश एंड एंटर का मार्क्स एंटर करेंगे, परसेंटेज डी आप इनपुट एंटर करने लिए यूज करते हैं बेटा, डी का यूज किया क्योंकि डाटा टाइप इंटीजर है, तो एड्रैस है जो स्पेसीफाई करवाया जा रहा है, इस तरह आप अपनी ही वैल्यू जी असाइन। अगे आगे बेटा अपने को टू डिमिशनल, जो टू डिमिशनल की गल करते हैं बेटा दो लूप्स की वरतों करेंगे, इंट ए फाइव के सिक्स, टोटल आप थर्टी एलीमेंट्स की गल कर रहे हैं। फोर आई इज इक्वल टू जीरो, पहले की गल की है, पहली सबस्क्रिप्ट फाइव आ, लैस दैन फोर लाता बेटा आई के प्लस प्लस, दूजे के लिए अपना टी यूज किया जे यूज किया,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਐਂਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਵਰਸਿੰਗ ਔਰ ਆਊਟਪੁਟਿੰਗ ਐਨ ਐਰੇ, ਐਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆ ਡਾਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਟੂ ਐਰੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਟ੍ਰਵਰਸਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਵਰਸ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਟ੍ਰਵਰਸ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਰੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਨਸਟੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਫ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਨ ਐਰੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੀ ਐਰੇ ਦੇ। ਫੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਰੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 9 ਦੇਣੇ ਆ, 10 ਦੇ। ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਟੂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਫ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਨ ਐਰੇ, ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਟ੍ਰਵਰਸ ਕਰਨਾ ਐਰੇ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਫ ਕੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਐਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਨ ਐਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਰੇ ਹੈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸ ਆਫ ਐਰੇ। ਐਰੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ। 0 ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਕ, 0 ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਡ ਗਾਰਬੇਜ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਆਟੋ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸ, ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 0 ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਬੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨੈਕਟ। ਤਾਂ ਇੰਟ ਐਸ ਐਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਐਰੇ ਐਸ ਆਫ ਦਾ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਰੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਵੀ ਉਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਐਜ਼ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਐਸ ਆ, ਇੰਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ 9 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, 10 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਟੋਟਲ 10 ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਇਹ ਮਤਲਬ 19.9 ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? 0। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਐਸ 0, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 5, ਐਸ 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 20, ਐਸ 9 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 90, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸ 0 ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ, ਇਨ ਦਾ ਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਵੈਨ ਦੈਨ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਾ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਐਂਡ ਐਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫਲੋਟ ਰੇਟ, ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਫਲੋਟ ਆਪਣਾ 4 ਬਾਈ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 4 ਦੇ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਲੈਂਦਾ? 1 ਬਾਈਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੋ 1 ਬਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਦਾ 10 ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟਾ? 5 ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਟੇਕ ਫਸਟ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੂਗਾ 5 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ 5 ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 5 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਮੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਰਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਐਰਰ ਦਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਇਡ ਮੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੰਟ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਾਂ 20 ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਆ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਅਤੇ ਆਈ ਐਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਆ,
इस तरह ने मतलब कि 515 लिखा, बट जब 15 तक वैल्यू पास नहीं कर रहा मैक्सिमम तो कितने का रहे 20 का रहे। तो सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर नॉट द कंपाइलर दैट सबस्क्रिप्ट डज नॉट रीच बियॉन्ड द एरर साइज, ओदे अकॉर्डिंग ही इज द रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, इनिशियलाइज द टू डिमेंशनल एरर जो दो निकलता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज एरे ऑफ वन डिमेंशनल एरे, उसी तरह ही है बेटा, एज वन डिमेंशनल एरे टू डिमेंशनल एरे कैन आल्सो बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एट सेम प्लेस, उसी जगह भी कर सकते हो जिथे आप इनिशियल डिक्लेयर करते उतनी इनिशियलाइज करवा सकते, मतलब वैल्यू सेंड करवा सकते। इंट ए 4 5 अपने को वैल्यू दिखाई हुई है, अपने को जो आप फोर यूज कर रहे हैं, आप 5 यूज कर रहे हैं बेटा। देखो पहला 0 1 2 3 4 जो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, पांच कॉलम हो गए, किनिया रो हो गई 4, तो ये हो गया अपने कॉलम नंबर जेड़ा पहला। ठीक है, दूजा तीजा तो भी दसिया, वेयर ए इज की है नेम ऑफ द, ठीक है, टू डिविजनल एरे इंट टाइप आ, फोर इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट लाइक नंबर ऑफ रो के लिए, 5 इज द सेकेंड सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ कॉलम के लिए, द सेम एरे कैन आल्सो इनिशियलाइज्ड एज गिवन। ठीक है, इस तरह अपन इनिशियलाइज करवाएंगे, पहले 0 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद 5, पहला पहली रो होगी, फिर दूसरी रो होगी, फिर तीजी होगी, फिर चौथी होगी, इस तरह सारी रोज आप देख। इन द केस 5 फर्स्ट 5 एलिमेंट आर असाइन टू फर्स्ट रो, नेक्स्ट 5 द सेकंड रो, नेक्स्ट 5 द थर्ड रो, एंड लास्ट 5 द फोर्थ रो, सारे में असाइन करवाते हैं। द प्रॉब्लम इन दिस वर्जन ऑफ इनिशियलाइजेशन इज दैट इट इज नॉट एज अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल एज द फर्स्ट वन, सो द फर्स्ट वर्जन इज द मच बैटर देन दिस वर्जन, द फर्स्ट वर्जन की है कि वधिया होंगी है इस तरह की वर्जन दे। ठीक है, एक बार ये वाला टॉपिक प्रिपेयर कर।